अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज जिस नुस्खे की तरफ मैं जा रहा हूं वो एक दवाई है, होम्योपैथिक दवाई है। पेट के दर्द में, दर्द कोलंज के लिए ये मैं दवाई आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये सामने जो तस्वीर में आपको शो हो रही है दोस्तों, ये दवाई है कैंट की दो नंबर, इस कैंट टू, कैंट का नंबर टू है। तो दोस्तों, इसको दर्द कोलंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके फ़ायद की तो बहुत बड़ी लंबी तहवील है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है पेट के दर्द में, शदीद किस्म का दर्द जिसे दर्द कोलंज कहते हैं, उसमें बहुत ही मुफीद पाया है। ये मेरे तजर्बे में आजमूदा है और मैं इसे खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, घर में बच्चों को भी, बड़ों को भी इस्तेमाल करवाता हूँ, अपने मरीज़ों पर भी इस्तेमाल करवाता हूँ। तो इसको कैंट की ये दो नंबर जो मेडिसन है, कैंट का नंबर दो जो है, इसको हर घर में होना चाहिए। बच्चों के पेट में दर्द हो जाती है, खाने के बाद दर्द हो जाती है। तो दोस्तों, ये दर्द कोलंज के लिए बहुत ही मुफीद दवाई है। दोस्तों, इसके मज़ीद फ़ायद बयान करने से पहले मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इसके फ़ायद की तरफ चलते हैं। ये जो दवाई है दर्द कोलंज के लिए इस्तेमाल होती है, पेट में शदीद दर्द इस्तेमाल होता है, मेदे और अंतों के नरम अज़लात में तशंदी दर्द, गैस, अफारा की कैफियत और पेट में शदीद किस्म के दर्द के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मैंने इसे खुद भी इस्तेमाल किया है और दोस्तों के साथ भी, दोस्तों को भी इस्तेमाल करवाया है, अपने मरीजों पर भी इस्तेमाल करवाया है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसन है। दोस्तों, इसको मैंने एक और दर्द में बहुत फ़ायदेमंद पाया है। आप लोग, गुर्दे की दर्द में शदीद किस्म की दर्द होती है गुर्दे में, तो दोस्तों इसके जो है 20 कतरे जो हैं, आपने करना क्या है, इसके 10 या 20 कतरे जो हैं ये एक घूंट पानी में मिलाकर जो है आपने इस्तेमाल करने, अगर शदीद दर्द है तो आधे आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये मेडिसन इस्तेमाल करें और पेट के शदीद किस्म के दर्द में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और गुर्दे के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद। दोस्तों, अब इसके जो है कंपोजिशन पे चलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसन है उसमें है बेलाडोना, डिस्कोरिया, कालूथेसेंथिस, लिपोलिमियम, मैग्नीशिया फॉस, मलिसा ऑफिशनल। दोस्तों, ये पांच दवाइयों का मुरकब है। तो दोस्तों, इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 110 रुपये है। दोस्तों, इसे आप इस्तेमाल करें और अपने घर में रखें। बच्चों के शदीद पेट दर्द में, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक, ये है दर्द कोलंज के लिए बहुत ही मुफीद दवाई है। दोस्तों, ये दवाई खुद भी इस्तेमाल करें, अपने घर में भी रखें और दर्द गुर्दा के लिए मैंने इसे बहुत ही आजमाया है। शदीद किस्म का दर्द गुर्दा में ये जो दवाई जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, देसी दवाई बनाने में टाइम लग जाएगा, ये दवाई अगर आप घर में रखें तो फौरन उठाएं और इसको जो है इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह, नीम गर्म पानी में, अगर आपके गुर्दे में शदीद किस्म की दर्द है, पेट में दर्द है, तो नीम गर्म पानी में 20 कतरे डालकर आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जैसा भी दर्द होगा चंद ही लम्हों में दूर हो जाएगा।